फ्रेंड्स, जैसा कि आप एक्सेल में काम करते हैं और 99% आपके पास में जो डाटा होता है वो टेबुलर फॉर्मेट में होता है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा डाटा है। आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास में 25 कॉलम्स हैं और अगर आप कॉलम देखेंगे तो करीब करीब 10,000 मेरे पास में रोज है। इतना बड़ा डाटा होता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। अगर आपके पास में टेबल छोटी है जैसे कि यहाँ पर है, तो आप इजिली डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं और इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर पर्टिकुलर सेल या डाटा को आपको सेलेक्ट करना हो। लेकिन अगर आपके पास में डाटा हो 10,000 रोज में और आपको मूव करना हो, आपको एक पर्टिकुलर जगह पे जाना हो या पूरी टेबल को सेलेक्ट करना हो, पूरे डाटा को सेलेक्ट करना हो, इसको फिल्टर करना हो, तो आप किस तरह से कर पाएंगे? अगर आप माउस का यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा कुछ, जो बड़े डाटा में आप यूज़ कर पाएंगे और उससे कि जो आपकी स्पीड है वो बहुत तेज हो जाएगी। तो फ्रेंड, चलिए सीखते हैं कुछ अच्छी ट्रिक्स एंड टिप्स अपने आप को स्पीड अप करने के लिए, काम को तेज़ी से करने के लिए। बट फ्रेंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको इमीडिएटली मिल जाए और सबसे पहले आप देख पाएँ। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं ट्रिक्स। तो सबसे पहली ट्रिक्स आती है, हमें अगर कोई पर्टिकुलर रो सेलेक्ट करनी हो, आप अगर इसको थोड़ा सा जूम छोटा कर लेंगे जिससे कि डाटा पूरा दिखाई दे, अगर मुझे टॉप रो सेलेक्ट करनी है तो मेरे पास में इसका एक तो तरीका है, मैं शिफ्ट और एरो को बार बार दबाता जाऊं और ये सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लगा। दूसरा तरीका है माउस से यूज़ करने का, इसको हम माउस से क्लिक करके हम इसको इस तरह से ड्रैग करते हुए इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन फ्रेंड, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की दबाएंगे तो एक ही बारी में पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। तो प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की और देखिए आपको सिंगल सेकंड के भी फ्रैक्शन में आपका पूरा डाटा सेलेक्ट हो गया। यहीं से ही आपको पूरी टेबल अगर सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस कीजिए, देखिए पूरी की पूरी टेबल जो है सेलेक्ट हो गई है। तो ये था सेलेक्ट करने का एक तरीका। अब आप जानना चाहते हैं टॉप में, आप बिल्कुल टेबल के टॉप में जाना चाहते हैं पहले सेल में, तो आप यहां से प्रेस कीजिए होम। अगर डाटा सेलेक्ट है तो ये होम पे आएगा, सेल वन पे। लेकिन अगर आपको सबसे लास्ट, आपको पता नहीं है कि, आपको मालूम नहीं है कि 20 कॉलम है या फिर 50 कॉलम है, बस आपको लास्ट कॉलम पे जाना है, तो उसका तरीका क्या है, आप कंट्रोल राइट एरो की प्रेस कीजिए, आप सबसे लास्ट में आ जाएंगे, या फिर कंट्रोल प्रेस कीजिए और लेफ्ट एरो की प्रेस कीजिए, तब आप फर्स्ट में आ जाएंगे। एंड का यूज करते हुए अप, लेफ्ट, डाउन और राइट, किसी भी तरफ आपको जाना है और आपने एंड प्रेस पहले किया है, जैसे ही हम एंड प्रेस करते हैं तो आप देखिए यहां पर वैल्यू चेंज हो जाती है, एंड मोड। अब अगर आपको सबसे नीचे आना है तो आप डाउन एरो की प्रेस कीजिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर बीच में कोई सेल ब्लैंक है, निल है, तो वहाँ से पहले ही एरो की रुक जाएगा। जैसे कि अब यहाँ से मैं इस वैल्यू को हटा देता हूँ और सबसे नीचे आ जाता हूँ, अब अगर मैं एंड प्रेस करता हूँ और अप एरो की प्रेस करता हूँ तो ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी ज़रूरत क्या है, क्या आपको पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है। अगर पूरा कॉलम एक ही बार में सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर शॉर्टकट की है कंट्रोल स्पेस, और रो के लिए शिफ्ट स्पेस। बहुत आसान है सर। तो आपने कई सारे यहाँ पर शॉर्टकट्स सीखे। अब मुझे जाना है सबसे टॉप में, अगर मैं बीच में हूँ डाटा के, अब मुझे सेल A1 पर जाना है तो कंट्रोल प्लस होम, टॉप में आ जाऊंगा। एंड में जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड प्रेस कीजिए, तो सबसे लास्ट में आ जाएंगे। अब सबसे पहले होम पर आइए। अच्छा, यहाँ पर आप बिना कंट्रोल के होम प्रेस कीजिए तो आप डाटा के लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, और अगर आपको सबसे टॉप में जाना है तो कंट्रोल होम प्रेस कीजिए। अब मुझे ये पूरी की पूरी टेबल एक ही साथ सेलेक्ट करनी है तो शॉर्टकट की होगी कंट्रोल शिफ्ट एंड, पूरी टेबल एक साथ में सेलेक्ट हो गई।
आप चाहे तो इसको आप फिल्टर कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको अपने हिसाब से अपने इसमें कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर डाटा को मूव करने के मैंने कुछ तरीके बताए हैं, होपफुली आपको आप इसको यूज़ करेंगे। ये आपको बहुत ही फास्ट काम करने में, ये आपको एक्सेल में अपने काम को स्पीड अप करने के लिए बहुत काम आएंगे। तो प्लीज़ आप इनको फॉलो कीजिए और डेली में प्रैक्टिस लेके आइए तो आपकी स्पीड ज़रूर इंक्रीज़ होगी। और फ्रेंड्स मेरी लास्ट रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर ये पसंद नहीं है आपको किसी रीज़न से, आप चाहते हैं कि इसमें और इम्प्रूवमेंट हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम अगले वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकें। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ कम बैक अगेन फॉर लेटेस्ट एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।